अगर कोई भी बीमार है वो अपने कदमों पे खड़ा हो सकता है और खुदावंद अपने खुदा को अपना मसला बता सकता है। मैं उसके लिए दुआ करूंगा। किसी का कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी मसला है, फाइनेंशियल है, कोई भी मसला है, किसी भी दौर में कोई पेपर वर्क का मसला है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, यीशु मसीह यहां पे मौजूद है, उसका पाक रूह यहां पे मौजूद है। और खुदा खुदा ने खुद फरमाया यर्मिया नबी की मार्फत, क्या मेरे लिए कोई काम दुश्वार है? हमारे खुदा हमारे खुदा के लिए कोई भी काम दुश्वार नहीं है। ईमान के साथ उसके ऊपर आए, उसके पास आए। लूत की बीवी में भी खुदा ईमान ही को देखना चाहता था, लेकिन उसने खुदा पर भरोसा नहीं किया। उसने मुड़ के देखा और वो पत्थर का सतून बन गई। हम मुड़ के देखना छोड़ दें जिंदगी में, पुरानी जिंदगी को याद करना छोड़ दें। शायद हम पुरानी बातों को याद करते हैं, पुरानी जिंदगी को याद करते हैं, शायद उन पुरानी जिंदगी की रानाइयों को याद करते हैं, लेकिन खुदावंद चाहता है कि हम उस निशान की तरफ दौड़ते चले जाएं, जहां हमारे लिए हमेशा की जिंदगी और वो ताज उसने रखा हुआ है। हालेलुया। अपने कदमों पे आप खड़े हो सकते हैं या अपना हाथ आप बुलंद कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए दुआ की जाए। मैं सामने नहीं बुलाऊंगा, वक्त का ख्याल रखते हुए। मैं कौन और मेरी हकीकत क्या हूं? लेकिन खुदा तेरे इस इख्तियार को हम दोनों खादिम मिलकर लेते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस फादर, यीशु के नाम में तेरे बेटे यीशु ने खुद कहा कि मैं अपना इख्तियार तुम्हें दिए जाता हूं। और हम खुदा खुदा तेरे इस इख्तियार को जो तेरे बेटे यीशु के वसीला से हमें मिला है, हम अपने ऊपर लेते हुए उस होली ऑफ होलीज में, उस पाप के मकाम में आने की जुर्रत करते हैं, जहां पे तू मौजूद है, तेरा बेटा यीशु मौजूद है, तेरा पाक रूह मौजूद है। खुदा खुदा हम तेरे पाक रूह के मस्सा में, तेरी पाक जुरी में, तेरी उस जुरी में जहां पे तू मौजूद है, उस होली ऑफ होलीज में, उस पाक के मकाम में खुदा अपने इन अजीजों को उठा के अपने कदमों पे खड़े हो गए, अपने हाथ को बुलंद कर गए, इस बात का इकरार किया है खुदा कि ये तेरी जरूरत है और तेरे कलाम में लिखा कि जो तुझे पुकारता है तू हमेशा उसे जवाब देता है। तेरे बेटे यीशु ने खुद कहा कि जो मेरे पास आएगा मैं उसे हर के निकाल ना दूंगा। सो फादर इन द नेम ऑफ जीसस फादर एक्सटेंड योर हैंड वन मोर टाइम फॉर द गॉड, एक्सटेंड योर हैंड वन मोर टाइम एंड टच ईच एंड एवरी वन हियर फादर गॉड। इनकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी मसला है, जो भी बीमारी है, जो भी मसाइल है, जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस है, जो भी पूरा स्टेटस के पेपर वर्क के क्राइसिस है, इन द नेम ऑफ जीसस फादर, ओ नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर द थ्रोन ऑफ ग्रेस फादर गॉड। ओ तेरे फजल के इस तख्त के सामने कुछ भी नामुमकिन नहीं पाऊंगा। उसके मसले को, उसकी परेशानी को, उसके दुख को, उसकी सारी खुदा बीमारी को यीशु के नाम में दूर कर। और खुदा मैं तेरा खादिम होते हुए तेरे खादिम के साथ मिलके हर तरह की अपलीस तारीकी और नापाकी की कुमतों को हम मिलके यीशु के नाम में हुक्म देते हैं, जिंदगियों को, घरानों को यीशु के नाम में छोड़ दें। यीशु मसीह नासरी के नाम में हर जिंदगी आजाद हो, हर तरह की तारीकी की कुमतें, हर तरह की स्पिरिट ऑफ एथियसम, वी किक यू आउट ऑफ दिस बॉडी।
what is in the name of Jesus. You have no right to stay. और जो online देखेंगे, देख रहे हैं, अब उनके लिए भी दुआ करते हैं. In Jesus. खुदावंद जो भी ईमान के साथ तेरे पास आए, खुदावंद उसके लिए भी, जैसे तूने सुलेमान से वादा किया था, कि जो भी इस साइकिल की तरफ रुक करके दुआ करेगा, तो उसकी दुआ को सुन लेगा. हम ये दुआ करते हैं, खुदावंद जो भी तेरे पास आए, तो उसकी दुआ को सुन लेना और उसके ईमान को बढ़ा देना. पाऊंगा तेरा शुक्र हो, तेरी सिताइश हो, तेरी तमजीद हो, सारा जलाल, सारी इज्जत और सारी बुजुर्गी खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा बाप रूह के नाम को मिले. यीशु मसीह नासरी के नाम में दुआ मांगते हैं. आमीन.